जम्मू कश्मीर सरकार से खफा नजर आ रहे नौशहरा के लोग दो तीन दिनों में दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं। नौशहरा को जिले का दर्जा देने की मांग कर रहे ये लोग राज्य सरकार खासतौर पर भाजपा से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगले विधानसभा चुनावों में भाजपा को जम्मू संभाग की अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नौशहरा पिछले 46 दिनों से लगातार बंद है और लोग आए दिन सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सिलसिला आज भी जारी रहा और लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन करते हुए जिले की मांग को बुलंद किया। सरकार को हमारा ये 1.5 माह से जो आंदोलन चल रहा है, शायद इसकी आवाज उसके कानों तक नहीं गूंजी। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हम जम्मू तो कूच करने जा रहे थे, तो रास्ते में हमें आश्वस्त किया गया कि आपकी डिमांडों को पूरा किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं पूरी हुई। तो हमें आज नौशहरा के लोगों को मजबूर होकर दिल्ली कूच करना पड़ा। हमने तारीख तय की है और इस तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे। ये जो हमारी डिमांड है नौशहरा की डिस्ट्रिक्ट की डिमांड थी, आज 45 दिन हो चुके हैं, 46 दिन लगातार लोगों की यही डिमांड थी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। सरकार की नाकामियों के कारण, नकम्मी सरकार होने के कारण हमारी ये दोनों सरकारें खाली नारे लगा सकती है, इनके पास कुछ नहीं है। ये जो यहाँ की J&K की अपोजिशन सरकार है, ये भी खाली एक दूसरे को इन्होंने शर्त लगाई है, जब आपकी सरकार आएगी तो हम चुप बैठेंगे और जब आपकी सरकार आएगी तो हम चुप बैठेंगे। हमारा तो नारा जो पहले दिया था, हम जा रहे थे, हमें एक साजिश के तहत गवर्नमेंट ने DC रजौरी को एक मैसेज जो चीफ सेक्रेटरी का था, हम सब के बीच में वो पढ़ के सुनाया गया और कहा गया कि नौशहरा को ADDC दे दिया गया है, जिसकी फॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास ऑर्डर नहीं पहुंचा, बस ये चीफ सेक्रेटरी का मैसेज है। सब ने पढ़ा, वो सबको पढ़ के सुनाया गया, उसका जो मीनिंग था उसके जवाब में भी जो उन्होंने उनको थैंक्स कहा, फिर उन्होंने जो उसकी रिप्लाई में कहा, वो सारी चीज़ें DC रजौरी ने या तो अपने से बना के की तो या फिर सरकार के कहने पर हमें बेवकूफ़ बनाने की साजिश ये चीज़ें की। दिल्ली जाने का नारा ये जनता की आवाज़ है, तो जनता जो है, अब जनता जनार्दन ये मानने वाली नहीं है। जो इनके दिल में है वो मैं समझता हूँ, ये करके रहेंगे। ये जियाले हमारे, जनों नौजवान हमारे और बूढ़े भी थे, जो उस दिन मैंने आपको बताया भी था, स्टेज से भी कई बार कहा कि कई लोगों ने कफन भी अपने बैग में डाले हुआ था कि अगर हमें कुछ हो भी जाए तो घर से काम, हमें घर का कफन तो नसीब होगा।